भारत का इतिहास ऐसे महान योद्धाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने रक्त से भारत माँ को हमेशा सिंचित रखा है। ऐसे ही एक सम्राट हुए हैं महाराज स्कंदगुप्त। उस समय मध्य एशिया से निकलकर यूरोप, फारस, अफगानिस्तान आदि देशों पर आक्रमण करने वाले उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित शक और कुषाण राज्यों को नष्ट कर दिया। उन इतने क्रूर और अत्याचारी थे कि कोई भी सम्राट उनसे युद्ध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उनका अत्याचार निरंतर बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे भारत में अपना शासन स्थापित करते जा रहे थे। उस समय भारत में गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त बार बार हूनों से युद्ध कर रहे थे, परंतु उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। तदुपरांत उन्होंने अपने शूरवीर पराक्रमी पुत्र स्कंदगुप्त को हूनों से युद्ध करने की जिम्मेदारी सौंपी। स्कंदगुप्त ने हूनों से भयंकर युद्ध करके अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के बल पर हूनों को परास्त किया और भागने पर मजबूर कर दिया। यही पहली बार था जब विश्व में किसी ने हूनों को पराजित किया। हूनों द्वारा कब्जाए गए राज्य को पुनः प्राप्त करके उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया और अपने संपूर्ण शासनकाल के दौरान हूनों को भारत में पैर तक नहीं रखने दिया।